अभी मैं मंदिर से आ गई हूँ। थप्पड़ दूंगे यहाँ। चटोरी तुझे तो खाने को चाहिए हर चीज। प्यार बढ़ता जुटा खाने से। सभी बड़ों को मेरा प्रेरणा। सो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। सो गाइज, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:15। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी और मम्मा को भी लेट उठाया। मम्मी सोई थी, मम्मी के सोए का फायदा थोड़ा सा मैंने भी उठाया। 15 मिनट की नींद थोड़ी एक्स्ट्रा दी है। पढ़ना मत हो गया यार, अभी पढ़ाई की बात मत करो यार। तो अभी मम्मा को मैंने थोड़ा कहा रेलिंग पे धूप आ रही है, थोड़ा देर रेलिंग पे बैठो। अभी मम्मी के लिए फिर नाश्ता बनाते हैं। भाई मम्मा को आज कल मैं सुबह ओट्स भी खिला रही हूँ, तो अभी थोड़ी देर पे ओट्स भी बनाएंगे। ओके मम्मा। आज यार मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं कुछ खाऊं चटपटा। हाँ मैं भी सोच रही थी यार तेरे लिए कुछ मंगाऊं करके। मंगाओगे? सोच रही थी आगे। चलो शाम को मंगाना, अभी तो मैं फिलहाल अपने लिए पास्ता बनाने वाली हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर पे खाना खाते वक्त। गाइज, मम्मा को मैंने ओट्स दे दिए थे। कैसा हो रहा है मम्मा? बहुत ही बढ़िया। मुझे पता है नमक वगैरह मैंने कम डाला तो अच्छा नहीं होगा। चटोरी तुझे तो खाने को चाहिए हर चीज, वही क्यों खाया तुमने? मेरा मन कर रहा था क्योंकि देखो टमाटर कम दे तो ये देखो बनाया मैंने, ये मेरा मुँह देख रहे हो खाते वक्त। गले से नीचे को नीचे रख रहा अपना। अब मैंने नहीं खाती ना, मैं इतना सादा खाना। अरे थोड़ी देर में मिलती हूँ, फिर बता। सो गाइस, हमारा यमी यमी पास्ता रेडी हो चुका है। और मम्मी खाओगे? मेरे को सादा ओट्स खिला रहे थे आप, हैं? वो देखो तो गाइस, गाइस की तो यमी यमी सा लगा है, एकदम रेस्टोरेंट से आया हुआ। वो देखो मम्मी का क्या बना रहे ऐसा फेस तो? बानर बाय बाय प्रिया। मम्मी देखो तो नाटक के चस्के देखो तो। दिमाग खराब मत करा मैं। ये देखो उसमें भी खाना ही दिखा सीधे अभी कसम से जा रही हूँ। मम्मा चिल रही है। बाय, हम खाते हैं यम्मी यम्मी पास्ता। सो गाइस, एक बार फिर से मैं सोकर उठ गई हूँ। टाइम हो रहा है 3 बजने वाले हैं। क्या हुआ था ना, अभी मेरे भगत मामा, मामी और बड़े वाले मामा आए हुए थे। सो क्योंकि तब वही काम धाम में था, फिर उनको ब्लॉग करना बिल्कुल भी टाइम ही नहीं हुआ। और अभी बड़े मामा आज यहीं रुक रहे हैं, मामा तो भी यही है, मामा भी सोए हुए हैं। मम्मा छत में गई है, मैं भी छत में चलती हूँ। उठने का मन नहीं कर रहा, मम्मी आज लगा दी तब उठना बोला। बस ही तो क्या कर रही थी धूप पर। हाँ मामा सोए, इसको देखो तो, इसे बुलाओ, उसको देखो तो क्या करती है। बस ही चॉकलेट ले आया नीचे, लास्ट बची थी कब लाई थी ये आपने? जब मैंने भेजी थी बहुत पहले, तब से पापा लाए जो ये खाली चॉकलेट। इसकी मैं करामत बताऊं, इसने मेरे लिए चॉकलेट तोड़ी, ये थोड़ा ज्यादा हो गई थी, इसने भी दांत से कटकाई तब जाके मुझे दिया। तो तुमको हिस्से में ज्यादा क्यों दिया? 3 पीस आपको दिए पहले 3 पीस हमने भी दिया, बराबर टूट गया। तो उसको ज्यादा टूट गया था, उसको दांत से काटना जरूरी था। कम वाला भी तो नहीं दिया ना ये, तो जूठा पीठा दे रही है। प्यार बढ़ता जूठा खाने से। सोई थी यार मम्मी के हाथ में यार, ऐसी है यार, मैं तो हैरान हूँ इसको देख के। दीदी से पूछना बंटवारा इतना तगड़ा करती है। हैं? दीदी से पूछना क्या बंटवारा इतना तगड़ा करती है। मेरे साथ तो नहीं करती तू ऐसा, है फिर झूठा दे रही हूँ मम्मी को। झूठा क्या होता है? नहीं, 3 पीसों में से मेरा थोड़ा सा बड़ा निकला, इसने दांत से कटका के बराबर कर दिया।
गाइस मिस कर दिया आपने वो सीन। आज से मोमो भी ले आऊंगी। यार कैसे हो यार? क्यों खाया को तो एक बार? मेरी तो आदत है मुझे आज मोमो भी ले आऊंगी। थप्पड़ दूंगी यहाँ। कल भी खाया तूने चाउमीन? वो परसों था। कोई जरूर नहीं, फालतू चीजें। मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, मेरे को देखे तो जाए। मम्मी ले आती हूँ ना। सब्जी लेने के लिए तैयार जो हो रही महिमा कहीं कहीं और तो नहीं जा रही तू घूमने? मारूंगी थप्पड़ मम्मी ने मामा के अंदर। आप क्या सुना तो गई ये पूरे बाल झड़ रहे जो ना जमीन से उठा देना। पैसे तो यार दे। पहले जमीन में जो बाल झड़े उनको उठा। सब ये कुछ भी नहीं है। बहुत है। नहीं है कुछ भी। बात रहती नहीं। तो चपेट मारूंगी ना मुझे मारे। क्या कहा? क्या कहा? चपेट मारूंगी मैं। किसको? मार। सो गाइज अभी मैं थोड़ा सा मार्केट को आई थी। मामा यहीं है, सब्जी कुछ अच्छी अच्छी लेकर आती हूँ। नहीं तो मामा के लिए तो सोला सादा खाना ही बना रही थी, हरी सब्जी वगैरह। तो अभी तो मैं मामा के लिए पनीर ले जाती, पनीर ही बनाते हैं। फिर मैंने सोचा थोड़ा ऊपर तक घूम कर आते हैं। इतने दिनों से मैं ऊपर को घूमने भी नहीं आई और आज हनुमान जयंती भी है तो हनुमान जी के दर्शन कर कर भी आएंगे। यहाँ ऊपर भजन वजन भी चल रहे थे तो एक बार एक चक्कर मार कर आएंगे। ठीक चू, पहले मैं थोड़ा घुमाती हूँ फिर मिलती हूँ। अभी मैं मंदिर से आ गई हूँ। मंदिर में अभी भजन वगैरह चल रहे थे तो भगवान जी के दर्शन किए और प्रसाद लिया और फटाफट घर को आ गई। मामा भी कहेगी ना कब को चलेगी। अब घर जाते हैं, मामा और मामा को भी प्रसाद खिलाते हैं। हमारी ईजा छत में है। क्या कर रहे हो? मैंने बोला मामा कह रहे अभी बाजार जाऊँगा थोड़ी देर के। मैं मंदिर गई थी, लो टीका लगाती उपस्थित। हाँ बस यार ठीक है, लो बूंदी भी खा लो। मंदिर पे भजन वजन चल रहे थे, मैंने सोचा हो आती हूँ। मामा को दियाई? हाँ तुमसे पहले मामा को ही लगाया। पनीर बाजार बुला। अच्छा और ये क्या कर रहे हो आप? गा गाना गाती थी तू। तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाई, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की। मेरी आवाज बहुत बेसुरी आ रही होगी यार, मैंने कान में हेडफोन लगाए हैं। और मेरी तबीयत सही हो तो मैंने सबसे पहले किचन साफ करना है। तेरा देखो यहाँ, इसने किचन इतना गंदा करा था ना। जे भी सुन तो जरा, बाद में सुनूंगी जो बोल रहा हूँ। इसने किचन के दरवाजों में इतना गंदगी जमी थी ना, मैंने खुद साफ करी। क्या करूँ मजबूरी में। ये तो बहुत अच्छी है, इतना काम करती है। मैं जो बोलूंगी सच बोलूंगी। मैंने कहा सबसे पहले तो मैं ठीक हो जाऊं ना, सबसे पहले मैंने किचन साफ करना है। क्यों मैंने नहीं करा है? गाइस अगर आप मेरे व्लॉग्स रियली देखते हैं तो दिवाली के टाइम के व्लॉग देखना। मैंने किचन दिवाली की ओह माय गॉड, पूरा किचन पानी से धोया था यार। दिवाली की बात कर रही, कब थी दिवाली जरा याद करो तो। तुम डेली डेली किचन तक तो नहलाते नहीं हो ना? नहलाते नहीं तो क्या साफ करती हूँ मैं? ये मुंह कुछ भी बोल रहे हैं।
सो गाइस आज ज्यादा कुछ हुआ नहीं है और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन पे। और आज के ब्लॉग को हम एंड कर रहे हैं। आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। और अभी मैं पोछा मार लूं पहले, बाय।